Welcome everyone. Welcome to another video tutorial from MK's BioVision. Today we are going to discuss transcription initiation in eukaryotes. Transcription eukaryote में transcription prokaryote की अपेक्षा काफी complex होता है. Prokaryotes में जैसे कि मैंने पिछले tutorial देखा था कि उसमें सिग्मा फैक्टर होता है जो कोर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है. उसमें -10 और -35 जो कोर प्रोमोटर होता है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और वही आरएनए पॉलीमरेज के डिफरेंट यूनिट्स आके लगते हैं और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. लेकिन यूकैरियोट का ट्रांसक्रिप्शन काफी कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना जरूरी होता है जो डिफरेंट प्रोटीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के द्वारा बनते हैं. प्री एमआरएनए सिंथेसिस बाय आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स जनरल बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2. इसकी संख्या ए से लेकर एच तक होती है, ठीक है, और इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. नाउ लेट अस स्टार्ट हाउ दिस प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को के फॉर्मेशन के लिए जो कोर प्रोमोटर रीजन है इसमें यूकैरियोटिक प्रोमोटर का में टाटा बॉक्स का होना एक खास सीक्वेंस है. थायमिन एडिनिन, उसके बाद फिर एडिनिन और थायमिन, फिर एडिनिन और थायमिन. ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है, कंसेंसस सीक्वेंस है, ये ज्यादातर यूकैरियोट के प्रोमोटर में पाए जाते हैं टाटा बॉक्स. इसके अतिरिक्त जो इनिशिएशन साइट है उस पर भी एक खास सीक्वेंस पाए जाते हैं. यहां देखते हैं कि दो पाइरिमिडीन है, उसके बाद सी साइटोसिन एडिनिन और फिर पाइरिमिडिन. तो ये पाइरिमिडिन रिच रीजन होता है और इस पाइरिमिडिन रीजन में ये सी -1 पर होता है और एडिनिन +1 पर रहता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये कहा जाए तो एडिनिन से ही इनिशिएशन स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर पाइरिमिडिन होता है. इसके अतिरिक्त ये तो कोर प्रोमोटर के एलिमेंट हुए. दिस पर्टिकुलर द टू एलिमेंट्स ऑफ दिस कोर प्रोमोटर रीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. इसके अतिरिक्त देयर आर डिफरेंट सीक्वेंसेस अप स्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम विच आर द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. ये इस प्रमोटर रीजन से और आरएनए पॉलीमरेज से इंटरैक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन के रेट को प्रभावित करता है. दे इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय इंटरैक्टिंग आरएनए पॉलीमरेज बाउंड इन दिस रीजन एंड आल्सो द प्रोटीन्स, आल्सो द फैक्टर्स अटैच टू दिस रीजन. तो ये जो फैक्टर है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज 2 के फैक्टर्स हैं. अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 के फैक्टर्स हैं ये एक सीक्वेंस में प्रमोटर से आकर लगता है. सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आके लगता है और इसका इसमें खास रीजन होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन. तो ये डोमेन इसका जो है टाटा बाइंडिंग डोमेन, ये यहां कोर प्रोमोटर टाटा बॉक्स से आगे बाइंड करता है. इसके अतिरिक्त टाटा बाइंडिंग, इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए और बी आता है जो इधर बाइंड करता है लेफ्ट और राइट में. इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी के लेफ्ट और राइट में बाइंड करता है. इसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ अकेले नहीं आता है,
इट रिक्रूट्स एंड स्पोर्ट्स ये आरएनए पॉलीमरेज टू, यही एक यही फैक्टर है जो आरएनए पॉलीमरेज को के साथ पहले एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू और आरएनए पॉलीमरेज का ये कॉम्प्लेक्स है और ये फाइनली इससे यहां जाके बाइंड करता है, यहां जाके बाइंड करता है, यहां बाइंड कर गया, यहां इनिशिएशन फैक्टर एफ कर। दिस इज फॉलोड बाय द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू ई। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू ई इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एच। ट्रांसक्रिप्शन टू एच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज हेलिकेज एक्टिविटी एंड द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू एच इज फैसिलिटेटेड बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू ई। तो इस तरह से सभी फैक्टर यहां आ गए और इसका फिर ट्रांसक्रिप्शन यहां से होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर बाइंडिंग ऑल दी फैक्टर्स देयर इज हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, हेलिकेज एक्टिविटी ड्यू टू दिस हेलिकेज एक्टिविटी promoters the this region of the promoter gets unwinded and DNA helix gets separated. तो unwinding ये होता है, unwinding होने के बाद closed complex से ये open complex में बदल जाता है और उसके बाद RNA polymerase में एक C terminal domain होता है जो इसके beta sub unit से जुड़ा हुआ रहता है। beta is the largest sub unit of this RNA polymerase, the polymerase is almost like the polymerase of the prokaryote. उसमें भी beta unit होता है। तो beta unit पर एक repeat होता है। ये जो this is the repeat, heptamer repeat of amino acids. ये इस amino acids में देखते हैं tyrosine, serine, proline, threonine, serine, proline और फिर serine. These are seven amino acids attached through the peptide bond. ये इसके C terminal पर पाए जाते हैं और इसका एक repeat भी होता है, repeat भी होता है। तो ये जो कई बार इसका repeat होता है at the C terminal domain of beta subunit of RNA polymerase 2 is very important for the elongation process. Elongation process initiation up to this process initiation up to the attachment of all these initiation factors यहां pre-initiation complex बन जाता है। pre-initiation complex बन गया है। अब इसमें इसका जो C terminal domain है RNA polymerase का, ये substrate का काम करता है इस हेलिकेज के लिए, क्योंकि हेलिकेज है फॉस्फोरिलेट दिस सी टर्मिनल डोमेन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, इस फैक्टर एच के लिए एक सबस्ट्रेट का भी काम करता है, ये इसको फॉस्फोरिलेट करता है। तो जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होता है सी टर्मिनल डोमेन का, आरएनए पॉलीमरेज के सी टर्मिनल डोमेन का, इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इलोंगेशन स्टार्ट होता है, आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, ये सारे फैक्टर हट जाते हैं। इलोंगेशन जब शुरू होता है तो केवल ये आरएनए है और ये आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज टू यही दो अटैच, यही केवल अटैच रहता है। तर ये सारे फैक्टर जो है ए बी डी ई एच एफ ये सारे हट जाते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर हट जाते हैं और ये जो कोर प्रोटीन है, कोर एंजाइम है, वही इलोंगेशन में पार्टिसिपेट करता है और वही इसको आगे इलोंगेशन कराएगा, तब तक कराएगा जब तक कि टर्मिनेशन न हो जाए। यहां अब हम देखते हैं कि ये जो
बेसिक प्रोटीन है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि ये जो द स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, सभी का खास रोल क्या है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये मैच करने के लिए भी दिया जाता है। तो देखते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D ये क्या करता है, इट अटैच टू द कोर प्रोमोटर और इसमें ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो बाइंड करता है टाटा बॉक्स से। तो टीबीडी, ये टीबीपी बाइंड्स टाटा बॉक्स द। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए का क्या काम है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है टाटा बॉक्स के साथ, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको स्टेबलाइज करता है, कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए स्टेबलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D एंड टाटा बॉक्स कॉम्प्लेक्स, इसको स्टेबलाइज करता है, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी ये करता है मेडिएट बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, ये क्या करता है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के बाइंडिंग को मेडिएट करता है या इंटरमीडिएट का काम करता है, यानी कि ये आ गया तो बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2 इज ऑलमोस्ट सर्टेन, इसके आने के बाद ये संभावना बन जाती है कि आरएनए पॉलीमरेज विल डेफिनेटली बाउंड टू दिस कॉम्प्लेक्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। एच प्लेज मल्टीपल रोल इन दिस इंटायर सिनेरियो, दैट इज व्हाई वन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई प्लेज ए क्रूशियल रोल बाय फैसिलिटेटिंग और एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट फॉर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। इसको, इसके लिए ये आने में इसको मदद करता है, इसके लिए सीट प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसमें मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो टाटा बॉक्स से बाइंड किया हुआ। तो इस तरह से इसके बाद क्या होता है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स, जैसे ही फॉस्फोरिलेशन होता है, सी टर्मिनल डोमेन का, ये सारे के सारे फैक्टर अलग हो जाते हैं, और केवल कोर प्रोमोटर जो, सॉरी, कोर पार्ट ऑफ द पॉलीमरेज जो है वही इसको आगे ले जाता है इलोंगेशन प्रोसेस में। अब थोड़ा सा हम लोग प्रोमोटर के बारे में देख लें, तो प्रोमोटर में ये हम देख रहे हैं कि कोर प्रोमोटर है जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, और सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज के आने से पहले बहुत सारे प्रोटीन बाइंड करते हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, एक तो इस ट्रांसक्रिप्शन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसमें जो सीक्वेंस होते हैं ये टाटा सीक्वेंस है, इनिशिएटर जो है यहां से कुछ दूर पर, ये जो कोर प्रोमोटर का दूसरा एलिमेंट है इसको हम इनिशिएटर सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें हम देखते हैं दो पायरिमिडिन इधर है, फिर -1 पर एक साइटोसिन, +1 पर एक एडिनिन, और फिर पायरिमिडिन 5 के, पायरिमिडिन के 5 कोई भी पायरिमिडिन हो सकता है, ठीक है ना, तो डीएनए है तो साइटोसिन थायमिन कुछ भी हो सकता है, तो ये होता है 5 मॉलिक्यूल्स। उसके अतिरिक्त रेगुलेटरी एलिमेंट पाए जाते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों पर, ये क्या करते हैं कि ये आरएनए पॉलीमरेज या फिर ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उससे इंटरैक्ट करके इसके ट्रांसक्रिप्शन के रेट को प्रभावित करता है। तो ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट ये भी रेगुलेटरी सीक्वेंस है, और इधर जो है जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है
उसके कुछ खास नाम दिए गए हैं, जीसी बॉक्स और कैट बॉक्स, सीएटी बॉक्स, जीसी बॉक्स एंड सीएटी बॉक्स। ये इस पर एक्टिवेटर लगता है, एक्टिवेटर या इनहांसर लग सकता है जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है। अलग अलग तरह के एक्टिवेटर और इनहांसर होते हैं जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यूकैरियोट्स के कुछ एक्टिवेटर इनहांसर और इंसुलेटर वगैरह के बारे में। तो इसमें ये इससे लगकर इसके ट्रांसक्रिप्शन के रेट को प्रभावित करता है। अब ये कैसे करता है तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए इस रीजन में से कोई एक्टिवेटर बाइंड किया है, यहाँ एक्टिवेटर बाइंड किया है, एक्टिवेटर बाइंड करने के बाद क्या होगा कि इंटायर जो ये डीएनए है वो मुड़ जाएगा। मुड़ जाने के बाद इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ जीटीपी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और पॉलीमरेज वन, ये डीएनए पूरा फोल्ड कर जाएगा और उस वो क्या करेगा, एक्टिवेटर का जो सीक्वेंस है, जो अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट है, वो मुड़ के देखते हैं, मुड़ के ये आ गया है, ये हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और आरएनए पॉलीमरेज ये वाला कॉम्प्लेक्स है इस जगह पर, और ये आके फिर मुड़ गया है, यहाँ एक्टिवेटर के लिए सीक्वेंस है अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट। अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट पर जनरली एक्टिवेटर ही बाइंड करता है और भी, तो ये एक्टिवेटर जब बाइंड करता है तो एक्टिवेटर इसके साथ एक डायलॉग करता है, टॉक करता है, किसके साथ, वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 के साथ, और ये इस तरह से इसके रेट को कंट्रोल करता है, इसके रेट को कंट्रोल करता है। ये भी ठीक उसी तरह से फोल्ड कर जाता है, फोल्ड कर जाता है और फाइनली इट कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ दिस रीजन, रीजन दैट इज द प्रमोटर रीजन हैविंग आरएनए पॉलीमरेज एंड वेरियस फैक्टर्स नीडेड फॉर दैट वेरियस जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो कुछ टर्म है यहां जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अलग से देख लें, एक है इनहांसर और एक्टिवेटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इनहांसर और एक्टिवेटर का काम क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाना, ऐसे भी ये ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता रहेगा, बट इफ देयर इज एक्टिवेटर बाउंड टू दिस अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट, यहां कोई एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड किया हुआ है, तब क्या होगा कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और फास्टर होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे प्री एमआरएनए के। तो दूसरा है कि मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर और इसके बीच का पार्ट है, एक्टिवेटर और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज के बीच बीच में एक प्रोटीन होता है जो मेडिएशन का काम करता है, तो मेडिएशन का काम करता है ये मॉड्यूलेटर है। इंसुलेटर है कि एक्टिवेटर और प्रमोटर, जैसे मान लीजिए ये एक्टिवेटर रीजन है और ये वाला प्रमोटर रीजन है, इसके बीच में यदि इंसुलेटर आ जाए तो एक्टिवेटर अपना काम नहीं कर पाता है, एक्टिवेटर अपना काम नहीं कर पाता है, इंसुलेटर की मौजूदगी में एक्टिवेटर अपना काम नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह के कुछ टर्म है रिप्रेसर, जैसे डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट पर रिप्रेसर बाइंड कर गया, रिप्रेसर का रोल हम लोग प्रोकैरियोट में भी देख चुके हैं, रिप्रेसर भी क्या करता है, प्रमोटर को प्रभावित करता है और अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को स्लो डाउन करता है। साइलेंसर पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन को रोक सकता है। देयर आर वेरियस सीक्वेंसेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन नोन एज इनहांसर, एक्टिवेटर, मॉड्यूलेटर, इंसुलेटर, रिप्रेसर, साइलेंसर एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये पूरा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर आरएनए उस पर लगता है और वेरियस रेगुलेटरी एलिमेंट whether they are present on upstream or downstream they interact with this core promoter region on which general transcription factor as well as RNA polymerase remains bound।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।